जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज कुछ ही मिनटों में छोटी छोटी मगर मोटी बातों के इस एपिसोड में सीखेंगे एलसीएम एससीएफ का वो क्वेश्चन जिसे देखते ही आप डर जाते हैं, लेकिन जिसे देखते ही आप बना लीजिएगा, सिर्फ वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन लिखा हुआ है। निम्नलिखित का लसा तथा मसा ज्ञात करें। अब देखने में तो लग रहा है कि सर इतना बड़ा बड़ा पावर के हम कैसे लसा मसा ज्ञात करें, छोटा वाला का तो ज्ञात करने में हालत खराब हो जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा पावर के एलसीएम एससीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका, बहुत आसान। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप जरा समझिएगा और लिखना है तो लिख भी लीजिएगा कि उपर्युक्त प्रकार के प्रश्नों में, उपर्युक्त मतलब ये पावर वाला जो है, उपर्युक्त प्रकार के प्रश्नों में, मतलब ये सभी जो प्रश्न दिया उसके बारे में लिख रहा हूँ, प्रश्नों में लसा तथा मसा, मतलब जो पावर वाला है उसका लसा तथा मसा यानी एलसीएम तथा एससीएफ ज्ञात करना हो तो सबसे आसान तरीका है। तो क्या पहला नंबर, पहला ये कि लसा में सभी राशि, मतलब जितना राशि है वो सभी रहेगा, सभी राशि तथा बड़ा पावर उपस्थित होता है, मतलब बड़ा या अधिकतम बोल सकते हैं, अधिकतम पावर, अधिकतम पावर उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। बिल्कुल आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। कैसे होता है अभी बताएंगे, पूरा इतना एग्जांपल लिखा हो क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखा है, उपर्युक्त प्रकार के प्रश्नों में लसा तथा मसा ज्ञात करना हो तो पहला तो है कि लसा ज्ञात करना हो तो लसा में सभी राशि को शामिल कर देना है, जितना दिख रहा है सब राशि शामिल रहेगा। और अधिकतम पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, अधिकतम पावर। जबकि दूसरा है कि मासा में, मतलब मासा जो ज्ञात करेंगे उसमें कॉमन संख्या, जिसको आप कॉमन संख्या, कॉमन, कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ, कॉमन बोले में अच्छा लगता है, ठीक है ना, कॉमन जो सब में उपस्थित हो, कॉमन संख्या तथा न्यूनतम पावर, मतलब मिनिमम पावर रहता है, न्यूनतम पावर उपस्थित रहता है, यही दो फंडा है। ये मैं जानबूझ के पहले नहीं लिखा था ताकि मैं लिखूं उतना देर में आप नोट्स भी कर ले और उतार भी ले। फिर से आइए, इतना का एक ही फंडा, यही दो लाइन पढ़िए और इतना सभी का सभी सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर बनने वाला है। देखिए, उपर्युक्त प्रकार के प्रश्नों में लसा तथा मसा ज्ञात करना हो तो लसा में सभी राशि तथा अधिकतम पावर, सभी राशि तथा अधिकतम पावर, और मसा में कॉमन संख्या, कॉमन मतलब आप समझते ही हैं, जो सब में उपस्थित हो उसे कॉमन कहते हैं, कॉमन संख्या और मिनिमम पावर। बोले सर ये कैसे, तो ये तो लिखने की बात हो गई, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस प्रकार का दो एग्जांपल लिखे हैं, एक्स वाई जेड की जगह दो तीन पाँच कुछ भी संख्या रह सकता है। तो पहले आइए हम लोग का एलसीएम लसा निकालना हो, तो बोले सर लसा निकालने में तो आप बताएं कि सभी संख्या उपस्थित है, तो जितना नजर आ रहा सब लिख दो, एक्स है, वाई है, जेड है और टी भी है, इसके अलावा और कोई अलग से राशि नहीं है, इतने हैं। उसके बाद जो भी बड़ा बड़ा पावर है उसी को चुन के लिखिए, एक्स पर मैक्सिमम पावर, तो बोले सर एक्स 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 देखा जाए तो मैक्सिमम पावर पाँच है, बाई पर मैक्सिमम पावर, तो बोलिए कि सर बाई पर तीनों में बाई को देखा जाए तो मैक्सिमम पावर सात है, जेड तीनों में देखा जाए तो मैक्सिमम पावर छः है, और टी तो एक गो है तो उस पर तो तीन ही, जो पावर एक है वही, यही हो गया एलसीएम। अब तो पूरा मायने फिट हो गया होगा कि कभी भी एलसीएम निकालना हो तो जितना राशि अलग अलग प्रकार के है सबको गुना के रूप में लिख देंगे और उस पर बड़ा बड़ा पावर को चुन के लिख देंगे, वही एलसीएम होगा, कभी गलत नहीं होगा। सीख गए एलसीएम। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो बोलिए सर आप ही तो बताए हैं कि मासा में कॉमन संख्या तथा न्यूनतम पावर, लसा में सभी संख्या तथा अधिकतम पावर, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं रहेगा इस सबसे भाग दीजिए तो कटेगा कैसे, एलसीएम का मतलब ही होता है सबसे कट जाना, तो सभी उसमें उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें कॉमन संख्या, तो बोलिए कि सर कॉमन तो एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड तीनों में है ये, तो एक्स गुना बाई गुना जेड कर देते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे कि मिनिमम पावर ढूंढें, तो एक्स पर एक्स तो तीनों में है, मिनिमम पावर कुछ नहीं तो एक है, तो एक से रह जाएगा, बाई पर तीनों मिला के मिनिमम पावर, तो बाई यहाँ पर है, बाई पर कुछ नहीं तो एक है बाई, जेड पर मिनिमम पावर, तो बोलिए सर जेड पर मिनिमम पावर तो तीन है, तो जेड क्यू हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया एक्स बाई जेड क्यू,
मतलब एक्स वाई अलग है और जेड पर क्यू है, या तो ऐसे ही ऑप्शन देगा कि एक्स गुना वाई और गुना जेड क्यू, क्लियर है। यही हो गया मासा, मासा का मतलब कॉमन। तो बोले टी क्यों नहीं लिखे, तो टी सिर्फ इसमें ना है, ये दोनों में नहीं है ना। मासा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, कॉमन हो। सीख गया आराम से लसा मासा निकालना। चलो कुछ त्रुटि रह गया है तो इसमें निकाल लेते हैं। चलो लसा लिखो चाहे एलसीएम, बात बराबर है। बोले सर लसा में तो सब राशि होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11 जो जो नजर आ रहा है सब लिख दो और बड़ा बड़ा पावर। तो बोले सर 2 पर मैक्सिमम पावर तो 2 ही, यह दोनों में है ही है, तो 2 पर मैक्सिमम पावर 7 है। उसके बाद बोल रहा है क्या 3, तो 3 3 तो तीनों में है और 3 पर मैक्सिमम पावर है 5, 5 5 भी तीनों में है और 5 पर मैक्सिमम पावर है 7, 7 7 ई दोनों में है, 7 पर मैक्सिमम पावर है 3, और 11 सिर्फ लास्ट वाला में है तो वही एक ही गो है तो उसी का पावर हो जाएगा। यही हो गया एलसीएम, 2 पर पावर 7, 3 पर पावर 5, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 3, 11 पर पावर 4। ऑप्शन ऐसे ही देगा क्योंकि इतना बड़ा का कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। आगे बढ़िए, अब इसका मासा निकालना हो। तो बोले सर मासा मतलब कॉमन, तो बोले सर कॉमन 2 तो नहीं है, 2 सिर्फ ही दोनों में, इसमें नहीं है तो 2 नहीं होगा। 3 5 कॉमन है, 7 ई दोनों में है, इसमें नहीं है, 11 तो सिर्फ उसमें है, तो कॉमन सिर्फ 3 और 5 है। उसके बाद मिनिमम पावर, छोटा पावर। तो बोले कि सर जी छोटा पावर, तो 3 पर छोटा पावर कितना है, तो बोले सर 3 पर छोटा पावर 2 है। 5 पर छोटा पावर कितना है, तो ये तो 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 ही है। ये छोटा इसलिए इसको चाहेगा तो ये गुना कर सकता है, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 25 नमा 225 हो सकता है। ऑप्शन ऐसे भी, तो आपसे कोई एक ही चीज पूछेगा लासा या मासा, हो सकता है दोनों पूछे, तो दोनों निकालने का तरीका बता दिया हूँ, क्लियर है। अब आइए, ये तो पावर वाला था, बोलिया कि सर जी हो तो पावरे वाला ना है, तो इसको कैसे निकालें, तो वो तो और आसान है। तीनों एग्जाम्पल देखिए फटाफट। पहली बात तो यह है कि हमें मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो ई पता है कि सब में 7 है, तो एलसीएम में भी नीचे 7 ही होगा, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब राशि, तो सब राशि और रहेगा था ना, जैसे यहाँ यहाँ एक्स वाई जेड टी भी था, यहाँ 3 था, 2 था, 5 था, 7 था, लेकिन वहाँ सब में तो 7 है, तो 7 लिखाएगा, लेकिन एलसीएम है तो मैक्सिमम पावर लिखाएगा, सबसे बड़ा पावर है 19, आंसर हो गया। क्योंकि 7 पर पावर 19 रहेगा तब ना सबसे कटेगा, एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला, हो गया। अब एच सी एफ देख लीजिए कितना आसान है, यो 7 पर, क्योंकि 7 सब में उपस्थित है तो 7, लेकिन मिनिमम पावर तो सबसे छोटा पावर कितना है 5। सोचिए क्या ये सब बनाने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगा, माइंड में ही आंसर क्लिक करेगा, कितना आसान है, लेकिन हम लोग डरे हुए रहते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसका भी एलसीएम निकालना है, तो सब में 3 है, एलसीएम में भी 3, लेकिन 3 मैक्सिमम पावर, तो आप जानते हैं ना माइनस में छोटा वाला मैक्सिमम होता है और बड़ा वाला मिनिमम, तो हो जाएगा माइनस कितना 7, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ भी वही होगा, लेकिन 3 पर हो जाएगा माइनस 21, धोखा नहीं खाना है, क्योंकि पावर क्या बताएं, एलसीएम मतलब सभी संख्या उपस्थित, तो यहाँ तो सब में 3 है तो 3 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम पावर, तो माइनस में सबसे बड़ा माइनस 7 ना हो गया, माइनस 21 बड़ा नहीं है, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्लियर है। ये छोटा हो गया तो एचसीएफ हो गया एलसीएम। अब ऐसे देगा तो बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, अब इसको क्या करें, तो बोलिए सर लसा तो सब संख्या उपस्थित, तो मेनली रूप से 7 तो है, 7 लिख दिए, और मिनिमम मैक्सिमम पावर, तो बोले सबसे बड़ा पावर 11 है, हो गया। मासा लिखना है तो मासा भी 7 ही रहेगा, लेकिन सबसे मिनिमम पावर, तो सबसे मिनिमम पावर क्या है, माइनस 5 है, क्लियर है, माइनस 5, जितना माइनस में बड़ा रहेगा वही छोटा होगा, तो ये 2 माइनस में, ये भी माइनस में है, लेकिन ये हो जाएगा छोटा, क्लियर हो गया। आप सी गए एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, पावर वाला आप कभी नहीं भूलिएगा, खुद तो जान गए, और जो भी दोस्त है सभी को सिखाना है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्रांति की तरह फैलाना, ताकि इस प्रकार से करके जितना भी त्रुटियां रहे, जितना भी कमियां रहे, मैं दूर कर सकूं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक से, और इस प्रकार के वीडियो को आप पसंद करते हैं तो बेसिक कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा, अपने आप कंट्रोल भी हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।